हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे कितना पसीना आ रहा है और रोज की तरह फिर से हमारी लाइट नहीं है। और देखिए यहाँ खुशबू को मैंने मिला दिया दोबारा से और ये खेल रही है। ये हमारा रोज का ड्रामा हो गया इस टाइम पर, डेली लाइट जानी है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या नहीं। अब तो इसी का सहारा है बेचारे, अब इसी से हवा करनी है। गर्मी अपना जोरों शोरों से बदला ले रही है। और यहाँ देखिए खुशबू चली हाथी की सवारी पे। ओहो खुशबू कहाँ जा रही है? हाथी पे बैठ के जा रही है। खुशबू आ गई, वाह लाइट आ गई, कितना अच्छा। चलो पंखे में चलते हैं। दोस्तों खुशबू अपनी साइकिल लेकर गई थी वहाँ से, बाइक आ गई तो खुशबू इतनी स्पीड से अपना हाथी लेके वापस आ गई। अब देखिए मन मगन मन कलर का, तो खुशबू उसको देख के डर की वजह से घर में वापस हाथी लेके भाग आई, इसलिए दोबारा बैठ के दोबारा जा रही है। बच्चों को भी खेल कितने निराले होते हैं, किसी भी चीज़ को अपना खिलौना बना लेते हैं और उसे खेलने लगते हैं। यही बहुत है कि वो गर्मी की तरफ ना ध्यान दे करके अपने आराम से मजे कर रही है और खेल रही है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर वो रोने लगती है ना, चैं 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 करती है। लेकिन इसमें एक बुरी आदत है, आप इसके लिए कोई भी खिलौना ला के दीजिए, ये किसी से क्या हो गया बच्चा को, क्यों लोला है? ओए विद्या बताऊं तो। और यहाँ दूसरी साइड हो रहा है जोरों शोरों से, बादल ऐसे काले हो चुके हैं जैसे बारिश आने वाली है। और दोस्तों आपने न्यूज़ तो देखी होगी, गुजरात की तरफ से कितना बड़ा तूफान आ रहा है, बिना साइक्लोन के कितनी भारी तबाही हो चुकी है। तो मैं तो बोल रही हूँ भले ही बारिश हो, लेकिन भगवान करे किसी का ना नुकसान हो, ना किसी को कोई दिक्कत आए। बाप रे, मैंने जब न्यूज़ में देखा ना कि गुजरात की तरफ और बाकी इलाकों में भी और राजस्थान वगैरह में कितनी तबाही मचाई है साइक्लोन ने, और वहाँ के बाप रे बाप समंदर का हाल देखकर मैं तो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, कितनी तबाही मचा रखी है, पता नहीं कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा, वो तो भगवान ही जाने। हम लोग तो वहाँ हैं नहीं, बस न्यूज़ पर जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। हे भगवान सबकी रक्षा करना, और क्या कर सकते हैं। आजकल तो पता ही नहीं किधर क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ दिन पहले वो बालासर ट्रेन का हादसा हुआ जिसमें 3 ट्रेनें टकराई थी, कितने लोग मरे कितने घायल हुए कुछ का तो पता ही नहीं। पता नहीं बेचारे कुछ होगी तो बॉडी ही नहीं मिली है, कुछ तो अभी भी गायब ही हैं। और कितने लोग मर गए, कितने लोग बेघर हो गए, कितने बच्चों से उनके पिता का साया, कितने भाई बहनों से उनका भाई, कितनी पतियों से उनका स्वा, कितने पतियों से उनकी पत्नी, बच्चे पूरी फैमिली सब अलग हो गई। पता ही नहीं चल रहा, ना पता चला किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं है। लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ पर है, भगवान को भी नहीं दया आ रही है लोगों पर लोगों के भी, भगवान से भी क्या कहें। इंसान गलतियाँ भी तो इतनी करता है कि भगवान जब उसकी सज़ा देता है तो एक साथ ही देता है। कहते हैं ना भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, जो गलत करता है उसे भी अपनी गलती की सज़ा मिलती ही है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये भगवान का दंड था, लेकिन भाई भगवान के आगे जब किसी की ना चली है तो ना चली है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, मरने वालों की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार वालों को सब्र दे। और भैया हम भी भगवान से दुआ करेंगे, अगर जिनका जो भी पिछड़ा है अगर वो जिंदा है तो वो मिल जाए, और जो मर गए उनकी आत्मा को शांति दे, और जो अपने लोगों को खो चुके हैं उनको सब्र दे। और दोस्तों ये जो तूफान आ रहा है इसमें भी भगवान किसी का कोई नुकसान ना कराए और ना किसी की जान मान की हानि हो, सब अपने घरों पर स्वस्थ रहें ठीक रहें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।